हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है मैंने अरुई लगाया है और एक बार अरुई लगाने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा अरुई निकलती रहती है अगर आप इसको जड़ से खुदाई करके नहीं निकालेंगे तो। फ्रेंड, मैं इसको नहीं निकाली हूँ तो फ्रेंड देखिए कितने सारे पत्ते निकल आए हैं। अरुई अगर आप एक बार लगाएंगे तो बहुत दिनों तक चलता रहता है और इसमें पत्तियाँ निकलती रहती हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी पकौड़ी वगैरह बहुत अच्छी बनती है। फ्रेंड, तो आज मैं इसको इस पत्ती को निकालूंगी और इसकी पकौड़ी बनाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए मैं कितने सारे पत्ते को निकालती हूँ। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। अगर इन पत्तियों को हम नहीं निकालेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से सूख के सब ख़राब हो जाएंगे। इस समय गर्मी बिल्कुल ज़ोरों पर है और छत पर डायरेक्ट रहने से पत्ते बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, तो इनको समय समय से हार्वेस्टिंग करते रहेंगे तो फ्रेंड देखिए न्यू न्यू पत्तियाँ निकलती रहेंगी। ये देखिए ये छोटे छोटे कितने सारे बेबी प्लांट भी तैयार हो रहे हैं, तो मैं आज इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। फ्रेंड, इस पौधे को केवल पानी की ज़रूरत रहती है, अगर पानी आप समय से देते रहेंगे तो इसमें बहुत सारी पत्तियां निकलती रहती हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा नीचे से इसको निकालेंगे। असल में फ्रेंड इसको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ में या तो ग्लव्स पहनिए, नहीं तो हाथ में खुजली भी होने लगती है, तो थोड़ा सा यही ध्यान देना रहता है। तो मेरे हाथ में फ्रेंड तो खुजली बहुत जल्दी होती है, तो मैं ये देखिए इस तरीके से लंबी लंबी डाल निकालेंगे। इस डाल की भी लोग सब्जियां बनाते हैं, लेकिन मैं इन पत्ते का यूज़ करूँगी। तो पहले फ्रेंड पत्तियों को निकाल लेती हूँ। फ्रेंड जितनी छोटी पत्तियाँ उनको नहीं निकालेंगे, जितनी बड़ी पत्तियाँ उन्हीं को निकालेंगे। जो सूख गया उसको भी हटा देंगे। फ्रेंड इस तरीके से ये देखिए ये देखिए इसको निकालने के बाद फ्रेंड अब इसको जो सूखी पत्तियां हैं उसको हटाने के बाद पौधे की थोड़ी अच्छे से गुड़ाई करनी है। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड सारे मैंने निकाल दिए। अब ये न्यू पत्तियां जो निकल रही फ्रेंड ये भी बहुत अच्छे से फिर से तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अरुई का प्लांट लगा के और अरुई आप निकालते रहिए और फिर इसके बाद नए नए इसमें पत्तियाँ निकलती रहेंगी और सूखेगा भी नहीं। तो ये काम आप कर सकते हैं और ढेरों पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। हमारे हेल्थ के लिए जो ताज़ी पत्तियाँ होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो फ्रेंड धूप में ख़राब हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड।